तनिषा, तुम यहाँ? हाँ, मैं। तुम्हारी चिट्ठी का बुलावा जो आया था, वैसे भी तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब बताओ, नंदा से क्यों कहा था कि वो कृष को यहाँ लेकर आए? कृष को लेकर भाग जाना चाहती थी? नहीं, मैं तो बस आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहती थी। आखिरी बार कृष को जिंदा मिलना चाहती या उसे जिंदा देखना चाहती? ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, अगर तुम अपना वादा तोड़ सकती हो तो मैं अपने वादे पर कायम क्यों रहूं? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों ना करूं? क्योंकि तुम एक औरत हो और एक औरत इतनी निर्दय नहीं हो सकती। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने अधिकार के लिए तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाते फिरे। मैं अधिकार छीनने में बिलीव करती हूँ, समझी? मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ, ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना तनिषा इतनी बेरहम ना बनो। बस एक बार मुझे कृष के गले लगनी दो। सॉरी, मैं तुम्हारी जितनी महान नहीं और ना ही बनना चाहती। दिल हो गए हो तुम भगवान। तनिषा एकदम सच कहती है कि एक कलयुग है और कलयुग में इंसान हो या भगवान, वो सिर्फ दर्द दे सकता है, दर्द, दवा नहीं। अगर दवा दे सकते तो कृष को मेरी जिंदगी में लाकर मुझसे ना छीनते। तुमने तो मेरे कृष को भी आंसू दे दिए, क्यों बोलो, क्यों? अगर अभी चुप नहीं हुआ ना तो तेरी जबान बंद कर दूंगी। नहीं मानेगा ना, अपनी माँ पर जगह है, कोई आवाज नहीं सुनेगा तेरी, कोई नहीं, समझा? शिकायत आपको मुझसे है तो मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ, कठिन से कठिन परीक्षा दे दूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। बस मेरे कृष को तकलीफ मत दो, उसे दर्द मत दो भगवान। मेरा बेटा बहुत मासूम है, वो तो फूलों की तरह कोमल है, फिर उसकी तकदीर में इतने कांटे क्यों? नहीं भगवान, नहीं, मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मत दो।
मैं क्रिश की माँ हूँ भगवान। अगर मैं उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती हूँ तो क्या मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती? पर मुझे उस तनिषा पर जरा सा भी भरोसा नहीं है भगवान। हे विघ्नहर्ता, मेरे विघ्न दूर करो, मेरे विघ्न दूर करो। डायरी का पेज क्रिश, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं उस नन्हे से फरिश्ते से मिली थी। जिस पल मैंने उसे देखा उसी पल मेरे दिल से आवाज आई कि इससे जरूर मेरा कोई नाता है, दिल का नाता। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो छोटी छोटी आंखें, वो जब भी मेरी ओर दौड़ता हुआ आता है ऐसा लगता है जिंदगी मुस्कुराकर मुझे अपने गले लगा रही है। दिल करता है उस पर जिंदगी की सारी खुशियां नौछावर कर दूं। अगर मैं अपने सारे सुखों के बदले उसके सारे दुख अपना लूं तो वो भी कम है, क्योंकि कृष्ण ने मुझे ममता का सही अर्थ समझाया है, इस ममता को जीना सिखाया है। मैं उससे इतना प्यार करती हूं, डर लगता है कि कहीं उसे बिछड़ ना जाऊं। डरती हूं कहीं इस ममता के रिश्ते को किसी की नजर न लग जाए। तो ममता की लिखा है, लेकिन तनिषा ने जो ममता का लेटर दिया उसमें तो कुछ और ही लिखाई थी। एक ही इंसान की दो दो लिखाई कैसे हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेटर ममता ने लिखा ही ना हो? मुझे ममता का लिखा हुआ लेटर ढूंढना ही होगा। तुम कभी अन्याय का साथ नहीं देते भगवान, मैं जानती हूँ। तुम मेरा भी न्याय करोगे और वो जीत तुम्हारी या मेरी नहीं होगी, वो जीत होगी सच की, सिर्फ सच की। तनिषा भाभी, आपने हमको बुलाया? हाँ बुलाया। शायद तुम जानती होगी कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। तुम्हें वो चिट्ठी मुझे लाकर देनी चाहिए थी, नंदा को नहीं। वो तो शुक्र है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई और चिट्ठी तुम्हारे हाथ से ले ली, वरना क्रिश को कुछ भी हो सकता था। आप ये कैसन बातें कर रही है तनिषा भाभी? सच बात कह रही हूं। और अगर तुमने ज्यादा सवाल किए ना, या इस चिट्ठी का जिक्र किसी से किया, तो तुम्हें भी ममता की तरह इस घर से बाहर भेज दूंगी। और ये रही तुम्हारी चुप रहने की कीमत। तनिषा भाभी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हमारा मुंह नहीं खुला। कि गरीब लोग इतने इमोशनल क्यों होते हैं? करण, तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। करण, तुम जाओ यहाँ से अभी। मुझे इधर बैठ के बात करते हैं। क्रिश सोया हुआ है। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारे कहने पर मैं क्रिश की नानी तो बन गई, पर अगर मैं यहाँ क्रिश की नानी बन के रहूंगी तो ऑडिशन के लिए कैसे जाऊंगी? डोंट वरी, मैं सब कर लूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो
या कहीं भी जाना हो सिर्फ मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बिकॉज आई तुम यहां क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, क्रिश जाग जाएगा। बड़ी मुश्किल से सोया है, तुम यहां कैसे? मैं भी क्रिश को ही देखने के लिए आई थी। देख लो, लेकिन आवाज मत करना, सोया है ना? करण बच्चों के पीछे बिल्कुल पागल है और मेरे पीछे भी। मैं चलती हूँ। हाँ ढूंढ रहे भैया जी, हम आपकी मदद कर दें? अरे वो मैं ममता की चिट्ठी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं। ममता दीदी की चिट्ठी? आपको पता है? घर में सबको पता है पुलवारी, सबके सामने डैड ने वो चिट्ठी पढ़ी थी। ओ वो चिट्ठी? वो चिट्ठी का क्या मतलब है? क्या ममता ने कोई और चिट्ठी भी लिखी थी? जी वो हमका नहीं मालूम, आप तनीषा भाभी से ही पूछ लीजिए। क्या हुआ अक्षय, कुछ ढूंढ रहे थे? हाँ वो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे थे, शायद मैं गाड़ी में भूल आया हूँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। मैं जानती हूँ अक्षय तुम क्या ढूंढ रहे हो, उस ममता की लेटर को ढूंढ रहे थे ना? समझ में नहीं आ रहा आखिर अक्षय इस लेटर को क्यों ढूंढ रहा है? ओह माय गॉड, कहीं अक्षय को शक तो नहीं हो गया ये लेटर ममता ने नहीं लिखा? फाड़ देती हूँ उसे। हाँ नहीं, इसे मैं जला देती हूँ, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। भाई बहुत देर हो गई, कितनी देर और खाने को? आप सरप्राइज के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा ही। कैसा सरप्राइज? खाना तैयार है। ओह यही तो है सरप्राइज, तनिषा ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया आज। बेटा वेरी गुड सरप्राइज, लेकिन क्या तुमने आजकल ऑफिस जाना बंद कर दिया? सॉरी डैडी जी, आपको बुरा लगा होगा पर मैंने सोचा बिजनेस देखने के लिए तो अक्षय है, करण है, लेकिन क्रिश को मेरी ज्यादा जरूरत है। ये ममता इस तरह अचानक काम छोड़कर नहीं जाती ना, तो तू बिजनेस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाती। बाबूजी क्या हमें ममता को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बेटा नॉट अ बैड आइडिया। अक्षय तुम क्या कहते हो? अरे क्रिश रोज इस समय यहाँ पर खेलने के लिए आता है, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। हे भगवान,
बस मुझे एक बार मेरे बेटे को देखने दो, फिर मैं ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अरे क्रिश, क्रिश बॉल खेले, बॉल खेलेंगे, बॉल बॉल, अरे अरे बाबा, क्रिश क्रिश किक। अगर तुमने आज अपनी जबान बंद की तो कृष्ण की जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं वहां पर हूं, क्यों, क्या है वहां पर? ठीक है, पापा आ रहे हैं। कर रहे इधर और किधर जा रहे? इधर रेलवे स्टेशन। तो देख, ये रास्ता है ना पुलिस स्टेशन जाता है, चल मेरे साथ में। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं यूपी से आई हूँ। काय को जवाब नहीं है ना? अरे तुम जैसी औरतों के पास जवाब भी कैसे होगा, हर रोज अपना नाम बदलती है। चल पुलिस स्टेशन चल। पर पुलिस स्टेशन क्यों? मैं तो यही रहती हूँ। अच्छा, इधर रहती है जी। चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। पर मेरे घर क्यों? आज चल, मेरे को देखना है तू मेरे को शेंडी तो नहीं लगा रही है। प्लीज यहीं पर रुकिए, मेरे घर वाले आप लोगों को देखकर डर जाएंगे। चलिए जल्दी बेल बजाइए आप। देखिए प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मुझे इन पुलिस वालों से बचा लीजिए। बस उन्हें इतना कह दीजिए कि मैं इस घर में रहती हूँ, प्लीज।